One of the top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. इतनी मेहनत करते हैं, आपका motivation level कितना high है, ये तय करता है कि आप किस मुकाम पर अपनी जिंदगी में पहुंचे. डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन इसका एक उदाहरण. नेक्स्ट. डॉक्टर राधाकृष्णन वेरी एक्साइटिंग. और जैसा कि बताया गया कि यहां पर उन्होंने एमए की परीक्षा दर्शन शास्त्र में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पास की. और एक थीसिस लिखनी होती है एमए की परीक्षा में, और वो थीसिस जब एग्जामिनर के पास में गई तो उन्होंने ये कहा कि ये विद्यार्थी आगे चलकर दर्शन शास्त्र में कोई बड़ा काम है. दर्शन शास्त्र हमारे छोटे विद्यार्थियों को नहीं मालूम होगा क्या विषय है, लेकिन ये एक विषय है जिसका संबंध इन प्रश्नों से होता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में, मनुष्य और भगवान के बीच में, मनुष्य और मनुष्य के बीच में किस तरह के रिश्ते होने चाहिए, ये फिलॉसफी कहलाती है दर्शन शास्त्र. फिलॉसफर्स को अक्सर हम लोग मजाक कर से बनाते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड विषय फिलॉसफी. राधाकृष्णन जी ने जैसा बताया गया कि मैसूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया, और मैसूर से वो उनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सर आशुतोष मुखर्जी पर रहे. और 1949 में जैसा कि स्लाइड में लिखा गया है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया. जब देश आजाद हुआ तो सवाल हुआ कि हिन्दुस्तान की यूनिवर्सिटियों को किस तरह से चलाया जाएगा, और उसके लिए जांच आयोग की स्थापना हुई. डॉक्टर राधाकृष्णन उसके अध्यक्ष बनाए गए, और उन्होंने फिर एक मसौदा बनाया, अपनी रिपोर्ट दी, और उसके बेसिस पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई. और आज हमारे देश में जो उच्च शिक्षा है उसका जो ढांचा है मुख्य रूप से डॉक्टर राधाकृष्णन और उनकी कमीशन के द्वारा बनाए गए मसौदे के आधार पर चल रहा है. बहुत दिलचस्प बात है कि 1949 में उनको सोवियत संघ में राजदूत बनाकर भेजा गया. आप जानते हैं कि 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दुनिया की दो महाशक्तियां, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत रिश्ता बनाई. हमारे देश के राजनेताओं ने तय किया कि हम बराबरी का रिश्ता बनाए, और बराबरी का रिश्ता बनाने की खोज में सोवियत संघ भारत के नजदीक ज्यादा था, अमेरिका उनके नजदीक नहीं. जब उनको राजदूत बनाकर सोवियत संघ भेजा गया उस समय सोवियत संघ के सबसे बड़े नेता का नाम था जोसेफ बी स्टालिन. बहुत ही शक्तिशाली नेता थे, और जोसेफ बी स्टालिन से मिलने एक राजदूत को जाना होता है राष्ट्राध्यक्ष के पास में. जब डॉक्टर राधाकृष्णन गए तो जोसेफ स्टालिन कुर्सी लेकर एक कुर्सी उन्होंने उठाई और उस कुर्सी को आगे रखा और उनसे कहा कि आप इस कुर्सी पर बैठे. तो बाद में इस पर चर्चा हुई कि दुनिया का इतने बड़ा राजनीतिज्ञ, रूस का इतना बड़ा नेता एक कुर्सी उठाकर एक राजदूत के लिए आगे क्यों आना. और उसका जवाब दिया स्टालिन ने कि मेरे लिए राधाकृष्णन एक एम्बेसडर से कहीं ज्यादा, एक बहुत बड़ा फिलोसफर, एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल और बहुत बड़ा दार्शनिक है, इसलिए मैं उसको एक एम्बेसडर से ज्यादा सम्मान दूं. तो पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की एक तस्वीर पैदा की. आप जानते हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान के बड़े नेताओं को जिनको जाना जाता है, गांधी जी को जाना जाता है, एक नैतिक शक्ति के प्रतीक के रूप में उन्होंने एक अहिंसा का एक हथियार दुनिया के सामने दिया जिसको आज दुनिया सारी दुनिया मानती है. पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में, नेता के रूप में जाना जाता था, भारत के पहले प्रधानमंत्री.
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आज दुनिया जानती है सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भी आज दुनिया जानती है और वो जानती है भारत की बौद्धिक शक्ति के रूप में। और ये काम एक ऐसा काम जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में शुरू किया, उसको एक बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्योंकि जब देश आजाद नहीं था, हमारे देश की हिंदू धर्म के बारे में दुनिया में बहुत सारी कल्पनाएं थी और बहुत सारे गलत फहमियां थी, क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी किताबें दुनिया में अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं थी। स्वामी विवेकानंद ने एक छोटा कदम उठाया, डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत के सनातन हिंदू धर्म के बारे में कई पुस्तकें लिखी और कई भाषण दिए। उनका एक भाषण जो ऑक्सफोर्ड में दिया, द आइडियल लाइफ ऑफ ए मैन, वो भाषण बहुत लोकप्रिय हुआ और उनको ऑक्सफोर्ड में भी प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया और कई वर्षों तक वो ऑक्सफोर्ड में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में रहे। तो मैं आपको बता रहा था कि दुनिया में आज भारत के बारे में जो उत्सुकता है, उसका बहुत कुछ श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो गांधी जी, नेहरू जी और अम्बेडकर साहब के साथ साथ वो श्रेय दिया जा सकता है अगर किसी व्यक्ति को, वो आदमी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो राधाकृष्णन एक राजनीतिक और उसकी युवा पीढ़ी नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं बता दूं कि आने वाली दुनिया ऐसे लोगों का सम्मान करेगी जैसे कि डॉक्टर राधाकृष्णन। क्यों करेगी? क्योंकि उन्होंने ये बताया कि दुनिया ज्ञान की ज्योति से आगे बढ़ती, दुनिया दौलत से आगे नहीं बढ़ती, दुनिया बंदूक की और तलवार की नोक से आगे नहीं बढ़ती, दुनिया बढ़ती है ज्ञान की ज्योति से। और ज्ञान की ज्योति एक टीचर ही पैदा कर सकता है, डॉक्टर राधाकृष्णन एक ऐसे टीचर थे। डॉक्टर राधाकृष्णन 10 साल तक रहे, 52 से 62 तक रहे, उपराष्ट्रपति रहे। 10 साल में राज्यसभा का जो संचालन उन्होंने किया, आज तक वो नजीर है, आज तक वो परंपराएं कायम है। राज्यसभा कैसे काम करेगी, कैसे कानून बनाएगी, देश का संचालन कैसे किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी नींव डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के रूप में रखी। मैं और ज्यादा समय न लेकर मैं भी बताना चाहूंगा कि उनको देश का दूसरा राष्ट्रपति 1962 में बनाया गया। 62 और 67 के बीच में 5 सालों में हमारा देश कई भूचालों से, कई उठापटक से और कई विपरीत परिस्थितियों से गुजरा। 1962 में चीन से भारत का युद्ध हुआ, जिसमें भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। ये पराजय सिर्फ सैनिक पराजय नहीं थी, इस पराजय ने देश की आत्मा को झकझोर दिया, इस पराजय ने भारत को एक डिप्रेशन के मोड़ में डाल दिया, एक नाउमीदी पैदा हो गई। और उसी दौरान हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का असामयिक निधन हुआ और उस दौरान देश को लगा कि नेहरू के निधन के बाद देश कैसे चलेगा, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक रास्ता हमारे देश को दिखाया। 1965 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी असामयिक निधन हुआ कासगंज में, उस समय भी देश अंधकार में डूब गया, राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, उन्होंने रास्ता दिखाया। 67 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए और 75 में उनका निधन मद्रास में हुआ। ये जीवन की उनकी गाथा है, लेकिन उस जीवन की गाथा को मैं यहाँ कुछ बिंदु छोड़ूंगा बहस के लिए कि अभी नई शिक्षा नीति आई है, आज राधाकृष्णन जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 28 करोड़ लोग शिक्षा पा रहे हैं हमारे देश में, 28 करोड़ इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्कूली शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा तक विद्यार्थियों की संख्या 28 करोड़ है, शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख है। लेकिन आज हमारे सामने राधाकृष्णन जैसे आदर्श नहीं, आज हमारे शिक्षकों को वो सम्मान नहीं मिलता है। राधाकृष्णन जी ने यह भी कहा कि आप भावुकता के आधार पर शिक्षकों का सम्मान मत करिए, गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम्परा हम कहते आ रहे हैं, लेकिन सब भावुकता है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि आपके स्कूलों में शिक्षकों के हाथ में कितनी शक्ति है, निर्णय लेने की कितनी क्षमता है, शिक्षक को कितना वेतन मिलता है, वेतन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कितना सम्मान मिलता है। अशोक जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने कहा कि शिक्षकों का आज सम्मान होगा, शिक्षक को उनका सम्मान नहीं करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि नई जो शिक्षा नीति आई है उसको आप देखें, विद्यार्थियों से भी कहूंगा, शिक्षकों से भी कहूंगा, और आप देखें कि आज शिक्षकों को स्वाधीन भारत में आजादी के 67-68 साल बाद भी टीचर्स को जो रिस्पेक्ट आज मिलनी चाहिए दुनिया के अन्य देशों में,
आज दुनिया के जो देश दुनिया में विज्ञान प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा योगदान है कि टीचर्स को एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है और उसमें भी नर्सरी का जो टीचर है उसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो वो सबसे ज्यादा मानसिक विकास पहले 5 वर्षों में होता है बच्चों का और उस समय टीचर अगर अच्छा मिल जाए तो वो आइंस्टाइन पैदा कर सकता है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा कर सकता है, वो मदर टेरेसा पैदा कर सकता है।